यदि आप इन तीन बातों को याद रखते हो तो आपका रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता बन जाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप मजबूत बना रहे तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यह वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की। तो पॉइंट नंबर वन है जिद ना किया करो। आपको जिद नहीं करनी चाहिए अपने पार्टनर से। आप अपने पार्टनर से जिद करते हैं किसी चीज़ को लेकर और आपका पार्टनर मना कर रहा है और आप जिद किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में आर्गुमेंट्स तैयार हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। देखिए, आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है तो वो चीज़ आप चाहते हो तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यदि आप जिद करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, आप जिद किए जा रहे हैं अपने पार्टनर को, तो वो इरिटेट होने लगेगा और आर्गुमेंट्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जिद नहीं करेंगे अपने पार्टनर से तो आपका रिलेशनशिप से मतलब कि सुरक्षित चलता रहेगा, कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिद नहीं करना, जिद ना किया करो अपने रिलेशनशिप में। तो आई होप ये पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की। तो पॉइंट नंबर टू है ब्लेम एलिगेशन खुद पर लेना सीखो। जी दोस्तों, यदि आप ब्लेम एलिगेशन खुद पर लेना सीख जाते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना रहेगा, कभी भी दरार नहीं आएगी आपके रिलेशनशिप में। देखिए, ब्लेम एलिगेशन का मतलब है कि जब भी ऐसी कोई और सिचुएशन आती है, आपके रिलेशनशिप में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं, तो वहाँ पर आप यही बोलिए कि ठीक है, आप सही हो, मैं गलत हूँ। आप ब्लेम एलिगेशन खुद पर लेना सीख लीजिए। वो सारी चीज़ें आप खुद पर ले लेंगे तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा आप दोनों के बीच में। देखिए, स्पेस इस तरह से क्रिएट हो जाएगा कि आप ब्लेम एलिगेशन अपने ऊपर ले लेंगे। आप बोल देंगे कि ठीक है, आप सही हो, ये मैंने किया है, मेरी गलती है, यहाँ पर आप सही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पर शांत हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप में जो आर्गुमेंट्स आगे बढ़ने को होगा वो नहीं होगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ देर के तक आप शांत रहेंगे, कुछ देर के बाद आप दोनों फिर से मिलेंगे तो आपका रिलेशनशिप सुरक्षित सेफ रहेगा, फिर आर्गुमेंट्स नहीं होगा। तो इस तरह से आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। ये पॉइंट ये बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में ये बोला है कि आप इस तरह से अपने रिलेशनशिप को डील कीजिए, और बहुत सारे रिलेशनशिप इस तरह से सही भी चल रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो आप भी इस पर फोकस कीजिए और अपने आप में डालने की कोशिश कीजिए, इसे आप अप्लाई कीजिए अपने ऊपर। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप ब्लेम एलिगेशन खुद पर लेना स्टार्ट कीजिए, इसको सीख लीजिए। तो आई होप ये दूसरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर तीन की। तो तीसरा पॉइंट है जितना हो सके हंसाने की कोशिश करो। जी दोस्तों, देखिए, जितना हो सके आप अपने पार्टनर को हंसाने की कोशिश करिए। देखिए, खुद से हंसना या हंसाना, ये दोनों अलग अलग बातें हो गई। यदि आपका पार्टनर खुद से हंसता है तो ये फर्स्ट स्टेज है, यदि आप हंसाते हैं अपने पार्टनर को तो ये सेकेंड स्टेज है। देखिए, हंसना, खुद से हंसना वो तो आसान है, लेकिन किसी को हंसा पाना ये बहुत ही मुमकिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आप अपने पार्टनर को किसी भी तरह से हंसाने की कोशिश करें, इस तरह से आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस भरा रहेगा, आपका पार्टनर हमेशा खुश रहेगा आपके साथ। आप अपने पार्टनर को किसी भी तरह से हंसाएं, जैसे कि उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, अपने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नया करते रहें, सरप्राइज देते रहें अपने पार्टनर को। तो इस तरह से आपका रिलेशनशिप आपके साथ, मतलब कि आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा और वो हैप्पी रहेगा आपके साथ। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, वो आपसे अलग जाएगा, वो आपसे दूर जाएगा, तो वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। वो यदि कोई तीसरा पर्सन भी आएगा आपके रिलेशनशिप में तो वो आपको छोड़कर बिल्कुल भी कभी भी जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसे हंसा रहे हो, उसे खुश रख रहे हो, ऐसा कोई थर्ड पर्सन तुरंत नहीं कर पाएगा, उसे समय लगेगा। तो आप यहाँ पर अपने पार्टनर को ज़्यादातर हंसाने की कोशिश करें, ऐसा करते रहें तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप बना रहेगा, कोई भी थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में एंट्री नहीं मार पाएगा। और आपका पार्टनर अपनी फैमिली में भी रहेगा, कहीं भी कोई अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहेगा, तब भी वो आपसे दूर होकर नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये तीनों बातें आप अपने आप में सीख लीजिए, अपने आप में अप्लाई कीजिए कि
आपको ऐसा करना है अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल फॉर मी ऐप के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।